अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ 207 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड गेस्ट पेपर शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो में आगे जाने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे, और इसके साथ साथ अपनी पास्ट असाइनमेंट को भी लाजमी देख लिया करें। पास्ट असाइनमेंट कौन सी जो अभी रिसेंटली आपने सबमिट करवाई है, उनके क्वेश्चन 10 होते हैं, उनको अच्छे तरीके से देख लिया करें, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन उसमें से आ जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। फर्स्ट है, हाउ वुड यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू योर न्यू कॉलेजियस इन द कॉलेज। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना बारे में इंट्रोडक्शन देना है अपने कॉलेज के फ्रेंड को। ठीक है, और इसके अलावा किसी और टॉपिक पर भी आ सकता है। अगर आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन किसी कॉलेज फ्रेंड को दे रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेंगे, तो किसी और टॉपिक के बारे में भी आ जाएगा, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सपोज यू वांट टू बाय थिंग फॉर योर हाउस एंड गो टू मार्केट, व्हाट थिंग डू यू वांट टू बाय एंड व्हाट क्वेश्चन डू यू आस्क फ्रॉम द सेल्समैन। यहाँ पर यह है कि आप अपने घर से कुछ चीज़ें लेने के लिए मार्केट जाते हैं, तो आप जो चीज़ें खरीदनी हैं तो आप सेल्समैन से किस तरह से क्वेश्चन करेंगे। तो इसी मुकालमे में आपने ये सिचुएशन बतानी है कि आप मार्केट गए हैं, सेल्समैन से आपने अपनी चीज़ें जो उनसे लेनी है उसके बारे में उससे क्वेश्चन किए हैं, तो आप किस तरह से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अस्सलाम वालेकुम से आगाज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक सेल्समैन के दरमियान मुकालमा है। इसी तरह कॉलेज में आप जिस तरह रमज़ान चल रहा है और रोज़े के मतलब भी मुकालमा आ सकता है, और इसके अलावा डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान भी मुकालमा आ सकता है। ठीक है, ये कि एक मुकालमा आप कर लेंगे तो बाकी के मुकालमे करने आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे। ठीक है, उसी का थोड़ा थोड़ा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर आप डॉक्टर और मरीज़ पर बनाना पड़े सेल्समैन का, तो आप सेम पूरी की पूरी वर्डिंग उठा के वही डाल दें, ऐसे नहीं होता। ठीक है, वहाँ पर बीमारी की नोयत और बीमारी के हवाले से बात की जाती है, लेकिन ये कि कुछ आइडियाज़ हो जाते हैं कि इस तरह से आप लोगों ने करनी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट एग्जांपल ऑफ 5 फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशंस। यहाँ पर आपने 5 इनफॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशंस जो से हैं उस पर एग्जांपल देनी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ वुड यू इंट्रोड्यूस यू से यू कज़न विद योर फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पर आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है अपने कज़न के फ्रेंड को। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली, राइट अ पैराग्राफ टू गिव डिटेल अबाउट मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली। इसको कहते हैं माई फैमिली का मज़मीन। ठीक है, उसमें आपने अपनी फैमिली की कंप्लीट डिटेल देनी है कि हम फैमिली में इतने मेम्बर्स हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, पीपल हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज, सम आर इंट्रोवर्ट वाइल अदर एक्सट्रोवर्ट, राइट अ पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एक्सट्रोवर्ट फ्रेंड टू योर्स। लोग 2 किस्म की पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, एक इंट्रोवर्ट एंड दूसरे एक्सट्रोवर्ट। आपने जो सी पर्सनैलिटी के बारे में लिखना है वो है एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। ठीक है, और इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के मालिक वो लोग होते हैं जो तन्हाई पसंद होते हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा बतूनी नहीं होते। और जो बहुत ज़्यादा बतूनी किस्म के लोग होते हैं उनको एक्सट्रोवर्ट कह देते हैं। ठीक है, ये 2 पर्सनैलिटीज़ के लोग होते हैं, और ये कि एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के लोग जो से होते हैं ज़्यादा लोगों के साथ घुल मिल कर रहते हैं और लोगों के साथ फ़न करना पसंद करते हैं, काम के दरमियान भी वो लोगों के साथ टॉकिंग करना पसंद करते हैं। ठीक है, ये तन्हाई पसंद नहीं होते। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर पर्सनैलिटी। यहाँ पर आपने अपनी पर्सनैलिटी के बारे में पैराग्राफ लिखना है, उसमें आपने बताना है अपने बारे में कि मेरी पर्सनैलिटी किस तरह की है, शख्सियत के बारे में आपने बताना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, यू वांट टू मूव आउट फ्रॉम अ हाउसेज, राइट एट लीस्ट 5 सेंटेंस यूजिंग
रीजनिंग वर्ड बिकॉज एज ड्यू टू साइन देयर फॉर ETC. घर से बाहर जाते हैं तो आप 5 सेंटेंस बनाएंगे रीजनिंग वर्ड, जैसे कि बिकॉज, एज, ड्यू टू एंड साइन देयर फॉर ETC. इन वर्ड का यूज़ करके आपने 5 सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट पैराग्राफ ऑन एनी वन फॉलोइंग टॉपिक्स. यहाँ पर कुछ टॉपिक दिए गए हैं जिनमें आप किसी एक टॉपिक पर आप लिख सकते हैं, जैसे कि माई फेवरेट गेम, माई फेवरेट पर्सनैलिटी, माई फ्यूचर प्लान, माई फेवरेट बुक. एंड माई फेवरेट बुक हर किसी के तो होली बुक ही होती, पुराने पाक. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, ठीक है. आईकॉम, BA, SSC, MA, MPhil, LLB, ATM, पैसो, LNG, CNG, PCO, BBA, MBA, CA, ATT, CPhD. आपने इनके मुहफ्फ बताने हैं पूरे पूरा वर्ड, जैसे कि बैचलर, BA का बैचलर ऑफ बैचलर आर्ट, एंड MA का मास्टर आर्ट. सेम आप लोगों ने सारे वर्ड को एक्सप्लेन करना है, ऑब्जर्वेशन करनी है, ठीक है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, नेम 5 थिंग्स डैट कैन बी डिफरेंट इन आ न्यू सिटी, ईजी लाइफ स्टाइल, फूड, पार्क्स, ETC. यहाँ पर आप लोग किसी न्यू जगह पर शिफ्टिंग की है न्यू सिटी में, तो वहाँ पर आपने 5 चीज़ें बतानी है जो आपके पहले इलाके और दूसरे इलाके में डिफरेंट है, जैसे कि लाइफ स्टाइल, फूड, पार्क्स, ETC. इन 5 चीज़ें आप लोगों ने बतानी है, ठीक है, उसके बारे में कौन कौन सी चीज़ें डिफरेंट है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, देयर आर सर्टन पीपल हु आर वेरी क्लोज टू यू. कुछ इंसान आपके बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, हाउ वुड यू इनवाइट देम, यूज सूटेबल इनफॉर्मल इन्विटेशंस, ठीक है. और आपने उनको सूटेबल वर्ड यूज़ करके उनको इनवाइट करना है किसी दावत में जो आपके बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, योर क्लोज फ्रेंड इनवाइट यू फॉर बोटिंग, यू लव बोटिंग, हाउ वुड यू एक्सपेक्ट द इनविटेशन. एंड यहाँ पर है कि आपके जो बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हैं, आप उनको बोटिंग की दावत देंगे, क्योंकि आपको बोटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है. और आप लोग किस तरह से अपने अल्फाज का चुनाव करेंगे कि आपका फ्रेंड आपकी दरख्वास्त को कबूल कर ले, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, इनवाइट योर फ्रेंड ऑन योर 22 बर्थडे एट रावलपिंडी क्लब ऑन माई 15 एट 5:30 PM, डिज़ाइन एट इनफॉर्मल एंड फ्रेंडली इन्विटेशन कार्ड, ठीक है. आपने एक इन्विटेशन कार्ड लिखना है जिसमें टाइमिंग 5:30 और 22 बर्थडे है और रावलपिंडी क्लब में मुनक़द की जा रही है, तो आपने उसका डिज़ाइन इस तरह से करना है कि वो इनफॉर्मल वे में हो, ठीक है. तो आपने उसे अपने फ्रेंड्स को इनविटेशन कार्ड की शक्ल में तरतीब देना है. लास्ट में क्वेश्चन नंबर 15 है, डिस्क्राइब, ये फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया है, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट वाला, ठीक है. डिस्क्राइब 5 फ्यूचर्स ऑफ करेक्टर्स ऑफ इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट पीपल हुम डू यू लाइक आर प्रेफर इन योर लाइफ, ठीक है. यहाँ पर 5 फ्यूचर्स बताने हैं आपने अपने इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पीपल के बारे में, और बाद में जो आपको ज़्यादा पसंद है, आपने प्रेफर करना है अपनी लाइफ में, तो उनके बारे में आपने बताना है. जी स्टूडेंट्स, आई होप 207 की तमाम इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको के माइंड आउट हो चुकी होंगी, आई होप आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी. और लास्ट में ये कहूँगी, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी, कामरानी अता फरमाएँ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह.